बढ़ती ही जा रही थी महिला के नाक की लंबाई, फिर डॉक्टर्स ने किया ये चमत्कार। प्यूबर्टी यानी किशोर अवस्था वो समय होता है जब इंसान की बॉडी में कई बदलाव आते हैं। इस दौरान कोई खूबसूरत हो जाता है तो किसी का चेहरा और फिगर बिगड़ जाता है। अमेरिका की रहने वाली पैमेला एचर्ड 15 साल की उम्र तक नॉर्मल टीनेजर थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्यूबर्टी हिट की उनके चेहरे में जबरदस्त बदलाव आया, बढ़ने लगी नाक की लंबाई। 15 साल की उम्र में पैमेला के चेहरे में कई पिंपल्स आने लगे। पहले तो उन्हें ये नॉर्मल लगा, लेकिन फिर उनका चेहरा पिंपल्स से भर गया। बड़े होने तक पिंपल्स निकलने बंद नहीं हुए। तब पैमेला को चिंता होने लगी। दरअसल इन पिंपल्स के कारण उनके नाक की लंबाई बढ़ती जा रही थी, उसका शेप भी बिगड़ने लगा था। इसके अगले 30 साल तक पैमेला के नाक का शेप बिगड़ता गया, उसकी जिंदगी काफी मुश्किल से काट रही थी। पैमेला कहीं बाहर नहीं जाती थी क्योंकि उन्हें लोगों का में शर्माती थी, लेकिन फिर एक घटना ने उनकी लाइफ बदल दी। एक टीवी शो ने बदली लाइफ। काफी तरह की जांच के बाद डॉक्टर्स ने पाया कि पैमेला एक रेयर बीमारी से सफर कर रही थी जिसे मेडिकल टर्म में राइनोफिमा कहते हैं। किसी भी तरह की दवा या लोशन उनकी परेशानी को दूर नहीं कर पा रहा था। 2016 में पैमेला को एक टीवी शो में हिस्सा लेने को बुलाया गया। इसमें लोग अपनी परेशानी डॉक्टर्स से शेयर करते हैं। पैमेला ने इस शो पर आकर अपनी परेशानी शेयर की और इस एक शो ने उनकी लाइफ बदल दी। डॉक्टर ने किया चमत्कार। अमेरिकन डॉक्टर एंजेलिट्स ने सामने आकर पैमेला की सर्जरी करने का प्रस्ताव रखा। पैमेला को विश्वास नहीं था कि जल्द ही उनकी लाइफ बदलने वाली है। जिस समस्या से वो पिछले 30 सालों से जूझ रही थी अब वो दूर होने वाला है। डॉक्टर एन ने सर्जरी के जरिए पैमेला के नाक का शेप परफेक्ट कर दिया। अब पैमेला अपने लुक के साथ कॉन्फिडेंट हैं और अपनी लाइफ खुशी से जी रही है।